जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने देखा था दुनिया के 10 खूबसूरत पक्षी, और उसमें हमने 10 से लेकर 6 तक देखा था। तो अब ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है जिसमें 5 से लेकर नंबर 1 तक मौजूद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पे आता है किलबिल टोकन। यह एक ऐसा पक्षी है जिसका चोंच बहुत ही अमेजिंग है। इनके पास एक बहुत ही बड़ी चोंच होती है जिसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर की होती है, और इनकी यही रंगीन चोंच की वजह से ये लोग रेनबो बिल टोकन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी चोंच नीला, लाल और पीले रंग के मिश्रण से बना हुआ है। इस पक्षी के चोंच खोखला और हल्का होता है और ये कैराटिन नामक प्रोटीन से बनता है। अगर इनकी आबादी देखा जाए तो ये लोग सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। 20 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ 4 केजी तक बढ़ सकते हैं ये लोग। इनकी पंख ज़्यादातर काले और गर्दन और छाती पीले रंग की होती है। इनकी पंख भारी होने के कारण ये लोग ज़्यादा उड़ नहीं सकते। बहुत ही स्पेशल होते हैं ये लोग। इनकी झुंड देखा जाए तो कुछ 30-35 के होती है। ये लोग दूसरे पक्षी के घोंसले में रहते हैं और इनकी आहार छोटे छोटे कीड़े, चिपकली और अंडे होती है। अब बारी है नंबर 4 की, जिसको आप सब जानते हैं पर शायद ही कभी सोचा होगा। जी हाँ, मैं पीकक यानी मोर की ही बात कर रहा हूँ। वैसे आपको बता दूँ, ये पीकक होते हैं ना, असल में ये पीकक नर पक्षी के नाम होती है और ये लोग पीपल नामक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस दुनिया में टोटल 3 तरह की पीपल होती हैं, जिसको हम इंडियन कॉन्गो और ग्रीन पीपल कहते हैं। दो इंडियन पीपल आर द बेस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपल। ये लोग दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। इस पक्षी की लंबाई 5 फीट तक बढ़ सकती है, जिसके कारण ये लोग दुनिया की बड़ी और उड़ने वाली पक्षियों की लिस्ट में आते हैं। इनफैक्ट इनकी लंबी पूंछ इनके शरीर के 60% भाग में आती है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। यह एक बहुत ही नामचीन बगुला है इस दुनिया का। इसका नाम है फ्लेमिंगो। इसका पंख का रंग बहुत ही शानदार की होती है और यही चीज़ इसको स्पेशल बनाती है दूसरों के मुकाबले। इस प्रजाति के 6 अलग अलग टाइप के होती है और ये लोग हर महादेश में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। एक तंदुरुस्त फ्लेमिंगो की लंबाई 4.5 फीट और वजन लगभग 3 केजी तक होती है। इनकी गर्दन पतली और लंबी होने के साथ इनका चोंच नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है और इसकी यही चीज़ इसको शिकार करने में सहायक होती है। इनके समूह बहुत ही बड़ी होती है, लगभग 1000 के आसपास। ये लोग भी कीट पतंग, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब बारी है नंबर 2 की। इसका नाम है स्कारलेट मकाओ। यह एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी पक्षी है मकाओ फैमिली की। ये लोग सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी कलरफुल शरीर के कारण इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके रंगीन पंख और चोंच बहुत ही सुंदर होती है। इनके ऊपर के पंख पीले और नीचे की नीला होती है। इनकी मजबूत चोंच इनको और आकर्षित बनाती है। इनके ऊपर के शरीर सफ़ेद और नीचे की काले रंग की होती है। इस पक्षी की लंबाई देखा जाए तो लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर और वजन 1 से लेकर 1.5 केजी तक होती है। और देखा जाए तो ये लोग 35 माइल तक 1 घंटे में चल सकते हैं। इनकी आयु कुछ ज़्यादा ही होती है दूसरे पक्षी के मुकाबले। रिसर्च के हिसाब से ये लोग 40 से 50 साल तक जीते हैं और कुछ साइंटिस्ट का कहना यह भी है कि इस प्रजाति के पक्षी 75 साल तक जीते हैं। और अगर इनके आहार के बारे में बात किया जाए तो ये लोग फल, फूल, बीज और कुछ कीट को खाते हैं। और अब फाइनली चलते हैं नंबर 1 पर और जानते हैं कि कौन सी खूबसूरत पक्षी है इस नंबर पे और क्यों है। तो दोस्तों, इस नंबर पे है गोल्डन पीजेंट, और ये पक्षी इसकी ब्रिलियंट रंग के पंख से बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके शरीर की बनावट बहुत ही आकर्षक है, जिसे मानो भगवान ने इसको फुर्सत से बनाया हो। ये लोग डेंस फॉरेस्ट, वेस्टर्न वुडलैंड और सेंट्रल चाइना में पाए जाते हैं। इनके नर पक्षी मादाओं से लंबी होती हैं और इनकी लंबाई लगभग 42 इंच के आसपास होती है। ये लोग ज़्यादा उड़ नहीं सकते, जिसके कारण इनकी ज़्यादातर समय ये लोग ज़मीन पर ही बिताते हैं। मेनली ये लोग छोटे कीड़े, बीज जैसे चीज़ें खाते हैं। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा प्रजाति के पक्षी हैं और हर प्रजाति के पक्षियों में अलग अलग प्रकार के गुण है। और जब बात खूबसूरत पक्षियों की हो तो ये अलग ही प्रकार की बात है। तो आप भी आप सबकी ओपिनियन शेयर कीजिए बिना किसी परेशानी की। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और बुरा लगा तो डिसलाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स।